चारण को वरदान मां, जब तक जीव मैं सुहागन जीव। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस मैं ली हूँ पायल एंड मैं अभी पायल पहन रही हूँ। आज है बट सावित्री, तो आप सभी को भी बट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। सो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ पूजा के लिए। एंड हम लोग पूजा इस बार ना मैं घर पे नहीं करूँगी, पिछली बार मैंने घर पर ही करी थी। इस बार मैं मंदिर पर जा रहे हैं हम लोग, तो मंदिर पर ही जाके मैं पूजा करूँगी। फाइनल लोग मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। एंड पहले मैं ये पायल पहन लेती हूँ, उसके बाद ये पतली पतली पायल हैं जिनको मैं पहनने वाली हूँ। क्या कर रहे हो? ट्रेन चला रहे हो? मेरा पूजा का जो सामान था ना, वो सब कुछ मैंने बना लिया है और अभी बस मुझे प्लेट लगानी है, तो वो लगा के फिर उसके बाद मंदिर चलते हैं। सो यहाँ पे देखिए मैंने पूजा का ये सब कुछ बना लिया है। बर्गर बना लिए हैं एंड ये अठवाई है ना, अठवाई छोटी छोटी पूड़ियाँ वो बना ली हैं। एंड मैंने खाने का भी बना लिया है। सो वहाँ से आने के बाद फिर हम लोग खाना वगैरह खाएंगे। सो सब्जी पूड़ी वो सब कुछ बन गया है, बस मुझे पूजा की थाली लगानी है। आज मंदिर जा रहे, ये हमारी वाइफ है। हर हमें और दिखाओ एक चीज, ये लो आपके पिटल दी। हाय तो बोल दो पापा, हाय तो बोल दो। तो भाई ये हमारे पापा थे, पता है। पूजा की थाल लग गई है, इसमें मैंने अठवाई, ये अपन रखा हुआ है, ये बरगदें रखी हुई हैं, चने एंड ये धागा जो परिक्रमा देते हैं बरगद की, और बाकी का सारा सामान ये है, और इसमें जल। पूजा की थाल एकदम रेडी है एंड मैंने सारा कुछ सामान ले लिया है। बस मुझे इसमें दो चीज़ की कमी है, मुझे फल लेना है एंड फूल लेना है, दो ही चीज़ और लेनी है। सो अभी हम लोग जब रास्ते में जाएंगे ना, वहाँ से हम लोग ले लेंगे। मैंने बिंदी लगा ली हाथ पे। और इसकी हेयर स्टाइल दिखाती हूँ मैं कैसी है, देखो जरा। पति देव जी रेडी हो रहे हैं, कहाँ गए? बाथरूम में गए हुए हैं, वो रेडी हो रहे हैं। ये देखो ये देखो, हाफ हाफ रेडी है। मैं नीचे कैमरा करके नहीं दिखा सकती। आप रेडी है, इनको रेडी होने देते हैं। सब सीधे बैठ के गाड़ी चलाते हैं, ये सरकार हमारी देखो ऐसे लेट के गाड़ी चलाते हैं। इसको ओढ़ूंगी, ये है मेरी शादी की, रेडी हो गए हैं, इसको ओढ़ के पूजा करेंगे। ये देखो जल लेके आ रहा है एंड मैं ली हूँ पूजा की थाली। मधुमक्खी को खिला देंगे? नहीं, पापा को दे दो, आपसे गिर जाएगा, पापा को दे दो। सो ये गए हुए हैं फ्रूट लेने के लिए, और ये देखो पीछे क्या कर रहा है। हम दोनों बैठे हुए हैं गाड़ी में, अद्भुत चिल्ला रहा। अच्छा सब लेके आते हैं, फिर चलते हैं उसके बाद मंदिर। एंड मैं कैसी लेके रही हूँ मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। मतलब ज्यादा हाई फाई मेकअप नहीं किया है, बट थोड़ा थोड़ा किया है। सो कैसी लग रही है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। सो गाइज फाइनली मैं पहुंच गई हूँ मंदिर, और देखिए मतलब मैं बरगद के पेड़ को देखी ना, इतनी ज़्यादा खुश हो गई ना, मतलब ऐसा लग रहा था कि यहाँ आके सब कुछ ही मिल गया हो। मतलब आप भूखे प्यासे हो और आपको अगर कोई चीज़ मिल जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। एक तो मोस्टली बरगद का पेड़ एक ऐसा रहता है ना कि बहुत कम देखने को मिलता है, और इससे पहले मैं इस मंदिर पर आई हूँ बट यहाँ पर ना पूजा वगैरह नहीं होती थी, तो मुझे थोड़ा सा मन में डर था, पता नहीं वहाँ पर पूजा होगी या नहीं होगी, तो मेरे अंदर ना वही चला था। सो फाइनली यहाँ पे जब मैं आई ना, बहुत सारी लेडीज़ पूजा कर रही थी, मैं भी उनकी साथ शामिल हो गई और मैंने भी पूजा की वहाँ पे। और मतलब हर स्टेट में अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है, मतलब मैं जैसे पूजा करती हूँ, मतलब मेरे यहाँ जैसी पूजा होती है मैंने वैसे पूजा की है। सो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है, और यहाँ पे ये निकाल रहे हैं बरगद के पत्ते, जो कोमल सा पत्ता निकलता है ना, कौप एकदम जो निकलती है उसको पानी के साथ निकला जाता है। सो ये देखिए इन्होंने थोड़ा सा ऊपर था डाली, वहाँ से तोड़ के और इन्होंने मुझे दिया है। सो अभी ये देखिए मैं यहाँ पे फेरी लगा रही हूँ बरगद के पेड़ की,
एंड गाइस, आप लोगों को ये वाला ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, एंड मैं कैसी लग रही हूँ ये भी बताना। एंड मैं फ़र्स्ट टाइम मतलब ऐसे बाहर गई पूजा करने के लिए, मैं मोस्टली ऐसे मतलब जाती नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम ही मतलब मेरा ये फर्स्ट भी सेकंड टाइम रखा था। पिछली बार मैंने जब रखा था ना तो घर पर ही पूजा की थी, एंड सेकेंड टाइम गई ना तो यहाँ पर मुझे बरगद का पेड़ मिल गया था। सो बहुत सारी लेडीज़ थी, सबके साथ मैंने अच्छे से बैठ के पूजा की, एंड सबको सिंदूर दान जो करते हैं, मतलब मुझे नहीं पता है हमारे यहाँ नहीं करते हैं, शायद बिहार तरफ का जो भी कल्चर रहता होगा वो लोग करते हैं। सो वो कुछ आंटी वगैरह मिल गई थी ना तो उन्होंने मुझे सिंदूर लगा दिया, पूरा नाक से लेके पूरा मांग तक लगा दिया, उनके यहाँ लगाते होंगे। सो फिर मैंने भी फिर उनको लगाया, एंड गाइस बहुत अच्छा लगा आंटी वगैरह के साथ पूजा करके। कुछ कुछ चीज़ें हैं ना हमें पता नहीं रहती हैं, सबके साथ बैठ के पूजा करो ना बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। और बस इस ब्लॉग को आप लोगों ने कितना ज़्यादा इंजॉय किया एंड कैसा लगा, एंड आप लोगों की भी कैसी रही बट सावित्री की पूजा मेरे साथ भी शेयर करना। सब पूजा होने के बाद हमने सबके साथ बैठ के कथा सुनी, एंड पूजा हो गई कथा सुन ली, एंड अभी यहाँ पे ना मैंने जो फल चढ़ाए हुए थे तो वो यहाँ पे मैं कन्या को दे रही हूँ, मतलब प्रसाद के तौर पे दे रही हूँ। सो गाइस थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस को, आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो एंड मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, एंड मैं भी आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेके आऊँगी आगे चल के, एंड बने रहिए ब्लॉग में एंड तक। भैया निकाल रहे हैं मौसमी का जूस, फ्रेश फ्रेश विदाउट बर्फ। पियेंगे नहीं मतलब घर जाके पियेंगे। आप पी लो ना यहीं से, आप पी लो ना, इसीलिए मुझे प्रसाद खाना है पहले तो मैं इसीलिए नहीं पी रही। आप पी लो, आप खड़े खड़े यहीं और भी शॉपिंग हो रही है। देखो खीरे ले लिए हमने। चलो बेटो ग्लास रख दो बेटा, वहीं डाल दो, कचड़े में डाल देंगे वो, ऐसे रोड पे नहीं फेंकते ना कचरा। तो हमारी पूजा हो गई है, अब जा रहे हैं घर, एंड गर्मी से भी इतनी ज़्यादा मिली है गाड़ी में बैठते से, क्योंकि ना वहाँ पे बहुत तेज वाली गर्मी लग रही थी, एंड मेरा फेस तो बिल्कुल ही अलग लग रहा है। वो आंटी ने ना सिंदूर लगाया पूरा नाक से भर के, पता नहीं शायद वो बिहार साइड की होंगी तो वो भी ऐसे लगा हुई थी, एंड मुझे भी वैसे ही लगा दिया उन्होंने पूरा नाक से पूरा पीछे तक लगा दिया उन्होंने। और इसको देखो टीका लगा हुआ था, पूरा फैला लिया, खूब मस्ती करके आया है मंदिर पर, खूब खेल के आया है, बच्चे में लगाए थे सो दौड़ भाग करके आया है। धूप में दौड़ रहा था, पतूरी में वो भी मैं ले गया था तो बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, खुद कैसे रन कर रहे थे ऐसी 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 करके गए। गोलगप्पे पे खाने खा लो, किसको खाने हैं, बाबू को? बहुत टाइम से बनाए नहीं यार, बनाएंगे गोलगप्पे। हम लोग मंदिर से आए, खाना खाने लगे, इतने में इतनी तेज वाली यहाँ बारिश आई है ना अभी, मतलब इतना ज्यादा मौसम खराब है ना, बादल गरज रहे हैं ना, उन्हीं की आवाज आ रही है। ये देखो पूरी बालकनी में पानी आ गया है, इन दोनों की सफाई चल रही है, लाइट भी चली गई, इतना ज्यादा मौसम खराब है। चेंज कर लिया है, एंड यहाँ पे बारिश हो रही थी ना, बारिश भी रुक गई है। ये कर रहे हैं ऑफिस का काम, और ये मुझे आज पूजा करवाने के चक्कर में ना उनका तीन चार घंटे इनका ऑफिस छूट गया है। उसको एक्स्ट्रा होमवर्क करवा रही हूँ ना, ये कर रहे हैं अपने ऑफिस का काम, क्योंकि इनका आज से ऑफिस स्टार्ट हो गया, मतलब आज मंडे है, सैटरडे संडे इनका ऑफ रहता है। इधर देख के ये देखो दोनों के क्या काम चल रहे हैं। मैंने एक्चुअली ये सिंदूर को ना साफ नहीं किया, क्योंकि तुरंत पूजा के बाद लगाने के बाद ना तुरंत उसको साफ नहीं करते हैं, तो मैंने चेंज तो कर लिया, बाकी अभी मैंने ये सब कुछ भी नहीं निकाला है। एंड आज है सोमंती अमावस्या, तो मैंने यहाँ पे मैं मतलब सोमंती अमावस्या का फास्ट तो नहीं रखती हूँ, बट ऐसी पूजा कर दी है तुलसी जी की। सो गाइस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, एंड मिलेंगे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय बाय। बाय बाय बोलो।